पब्लिक चैनल से। दोस्तों आपको पता होगा 2019 का इलेक्शन आ गया है, आचार संहिता भी लग चुकी है, और 2019 का जो इलेक्शन है इसका बहुत बेसब्री से लोगों का इंतजार है। लोगों को बेसब्री से इसलिए इंतजार है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कम से कम महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं, जो कारोबार बंद हो गए वो शायद चालू हो जाएगा। तो एक बड़ी उम्मीद लगा के जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, वो बड़ी उम्मीद लगा के रखी है कि इस 2019 के इलेक्शन में होता क्या। दूसरी चीज है, अभी आचार संहिता लग चुकी है, जैसे कि आप जानते हो, हर चीज, हर लोग, हर शख्स जानता है कि आचार संहिता में कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन आपको हम एक चीज और बता दें कि हमारे जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ साहब, वो आचार संहिता के टाइम में, जैसे आप देख सकते हो कि सोफा बिछा के बैठे हैं और कुछ पब्लिक उनके बीच में है, और वो पब्लिक जो है ये पैसा बांट रहे हैं लोगों का नाम, इनके दो कर्मचारी खड़े हैं, नाम गिनाते हैं, 500-500 रुपए की नोट उनको दी जा रही है हर एक आदमी को, ये पैसा बांट रहे हैं। तो ये 2019 का इलेक्शन का ये एक इनकी तैयारी है, आचार संहिता में ये लोगों को पैसे बांट रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी इस 2019 के इलेक्शन में कितनी घबराई हुई है और कितनी डरी हुई है कि हमको करना क्या है, ये किसी ना किसी तरीके से हमको 2019 का इलेक्शन वापस जीतना है और वापस इनके सर पे बैठना है, जो लोग अभी बचे हैं उनको हम बेड़ा गरक करना है। तो इसलिए 2019 के इलेक्शन की इनकी तैयारी है। तो आप खुद इसका फैसला करिए कि हमको 2019 का इलेक्शन, ये जो 500 रुपया दे रहे हैं हमें, 500 रुपया दे के जो हमारा हमको खरीद रहे, हमको इनके आगे बिकना है या हमको नहीं बिकना है, आपका वोट की कीमत ज्यादा है या 500 रुपया ज्यादा है आपके लिए, तो ये फैसला आपको खुद करना है। मैं लालू मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।